हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बगड़ी नगर के निकटवर्ती केलवाद ग्राम पंचायत में सोमवार को उपखंड अधिकारी गोपाल जांगिड़ की अध्यक्षता में प्रशासन गांवों के संग शिविर संपन्न हुआ। विद्यालय प्रांगण में आयोजित शिविर में पंचायत प्रशासन ने 52 लोगों को पट्टे प्रदान किए। शिविर में निशुल्क पट्टे पाकर ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सरपंच अमर सिंह जैतावत ने इस अवसर पर कहा कि ग्रामीणों को ऐसे शिविर में भाग लेकर अपने काम कराने चाहिए, ताकि उन्हें एक ही जगह से सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी मिल जाते हैं और काम आसान हो जाता है और भटकना नहीं पड़ता। इस अवसर पर तहसीलदार पीरूलाल जी नगर, विकास अधिकारी डॉक्टर सुनीता परिहार, राजस्व विभाग से भगवान सिंह, ग्राम विकास अधिकारी महिपाल सिंह लखावत, मोहम्मद शाबिर, रघुनाथ आसेरी, खाद्य विभाग से कृष्णा भाटी, कृषि विभाग से राजश्री श्रीमाली, केलवाद उप सरपंच भीकाराम सरगरा, ग्राम विकास अधिकारी विवेक सिंह जैतावत, ओम प्रकाश देपाल, सुरेश नायक, चिकित्सा विभाग से डॉक्टर रामधन यादव, मेल नर्स जालम सिंह जैतावत, विद्युत विभाग से रामकेश मीणा, प्रदीप सुवालका, गुमान मल सैंडचा सहित कई वार्ड पंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व ग्रामीण मौजूद थे। शिविर में यह कार्य हुए सरपंच अमर सिंह जैतावत ने बताया कि शिविर में 52 पट्टे बनाए गए हैं। वहीं जन्म मृत्यु पंजीकरण 3, नरेगा जॉब कार्ड 4, श्रमिक कार्ड 4, राशन कार्ड 2, मुख्यमंत्री चिरजीवी योजना के तहत 12 लोगों को पंजीयन किया गया। वहीं पालनहार योजना के 6, नामांतरण के 160, बंटवारा 15, शुद्धिकरण के 112, रास्ता प्रकरण के 5 मामले निपटाए गए। वही रोडवेज कार्ड 10, सुकन्या योजना के 3, कृषि स्प्रे की 1 मशीन किसान को भेंट की गई। जागरूक टीवी के सोजट से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।